रहीम आज हम स्टूडेंट्स स्टार्ट करेंगे नाइन्थ क्लास का सेकेंड चैप्टर सॉल्विंग ए बायोलॉजिकल प्रॉब्लम तो इसमें हम साथ डिस्कस करेंगे कौन सा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड में आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर वन है डू यू थिंक डैट मैन हैज़ ऑलवेज बीन ए बायोलॉजिस्ट इफ़ सो वाई तो इसका आंसर है ए मैन हैज़ ऑलवेज बीन ए बायोलॉजिस्ट ही हैड टू बी बायोलॉजिस्ट इन ऑर्डर टू लिव अर्ली इन हिस्ट्री ही वॉज हंटर ऑफ एनिमल एंड ए गैदर्ड ऑफ फ्रूट सीड रूट्स एक्जेट्रा द मोर ही न्यू अबाउट एनिमल्स एंड देयर हैबिटेट

द साइंटिफिक मैथड इन विच बायोलॉजिकल प्रम्स आर सॉल्व्व इज टर्म्ड एज बायोलॉजिकल मैथड इट कम्प्राइज द स्टेप्स ए बायोलॉजिस्ट अडॉप्ट इन ऑर्डर टू सॉल्व ए बायोलॉजिकल प्रॉब्लम अब हमने बायोलॉजिकल प्रॉब्लम जो बायोलॉजिकल मैथड है इसके स्टेप्स देखने हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर थ्री है हाउ बायोलॉजिकल मेथड हैज़ प्लेड एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन साइंटिफिक रिसर्च बायोलॉजिकल मेथड जो है साइंटिफिक रिसर्च में कैसे रोल प्ले करता है द बायोलॉजिकल मेथड हैज़ प्ले एन इंस्ट्रूमेंटल रोल इन साइंटिफिक रिसर्च फॉर ऑलमोस्ट फाइव हंड्रेड ईयर्स नंबर वन इसकी इम्पॉर्टेंस है ये ऐसे भी आ सकता है गिव द इम्पॉर्टेंस ऑफ बायोलॉजिकल मैथड फ्रॉम गलीलियोज एक्सपेरिमेंट back in 1590s to current research. The biological method has contributed to advancement in medicine, ecology, technology, etc. Second important The biological method ensure the quality of data for public use. Both important question hai? Ye. Next question hai. Hamarepas question number four right steps of biological method इन ए सीक्वेंस सीक्वेंस में स्टेप्स आपने बताने हैं सीक्वेंस ख़राब नहीं होनी चाहिए नंबर वन रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम नंबर टू ऑब्जर्वेशन नंबर थ्री हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन नंबर फोर डिडक्शन नंबर फाइव एक्सपेरिमेंटेशन नंबर सिक्स समराइजेशन ऑफ रिजल्ट और डाटा नेक्स्ट रिपोर्टिंग द रिजल्ट ये बायोलॉजिकल मेथड के स्टेप्स हैं उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर फाइव है डिफ़ाइन बायोलॉजिकल प्रॉब्लम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को हमने डिफ़ाइन करना है ए क्वेश्चन रिलेटेड टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स दैट इज़ इधर आस्क्ड बाय समवन और कम्स इन बायोलॉजिस्ट माइंड बाय हिमसेल्फ इज कॉल्ड बायोलॉजिकल प्रॉब्लम यानी इसको हम दूसरे लफ्ज़ों में ऐसे भी बता सकते हैं बायोलॉजिकल प्रॉब्लम the problem which is any problem any problem which is related to living organism कोई भी problem जो living organism से related हो उसे हम biological problem कहते हैं for example malaria कोई भी किसी किस्म की भी disease हो सकती है hepatitis हो सकता है malaria जो भी living organism से related है उसे हम biological problem कहेंगे next question question number सिक्स है हमारे पास वट इज़ द डिफरेंस बिटवीन क्वालिटेटिव एंड क्वान्टिटेटिव ऑब्जर्वेशन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये इस तरह डिफ्रेंशिएट की फॉर्म में ही आपने लिखना है सबसे पहले हम लिखेंगे क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन को पढ़ लेते हैं क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन आर कंसिडर्ड लेस एक्ट ये बहुत कम एकट होती है इसमें दुरुस्तगी कम होती है नंबर टू दीज ऑब्जर्वेशन आर वेरिएबल्स एंड लेस मईरेबल ये बहुत कम मैरेबल है और वेरिएबल है ये यानी चेंज होती रहती है मतलब किसी की क्वालिटी को हम चेक करना किसी की क्वालिटी को चेक करना बहुत मुश्किल होता है दिस कैन नॉट बी रिकॉर्डेड इन टर्म्स ऑफ नंबर फॉर एग्जाम्पल फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ कोल्डर देन इट्स बॉइलिंग पॉइंट ए लीटर ऑफ वाटर इज़ हैवियर देन ए लीटर ऑफ़ एथनोल ये क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन है हमारे पास क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन क्या है क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन आर कंसिडर्ड मोर एकूरेट ये उसकी नस्बत ज़्यादा एकूरेट है क्योंकि हम किसी को भी गिनती करके काउंटिंग करके बता सकते हैं कि ये इतनी तादाद है दिज ऑब्जर्वेशन आर इन वेरीबल एंड मेजरेबल दिस कैन बी रिकॉर्डेड इन टर्म्स ऑफ नंबर फॉर एग्ज़ाम्पल फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ इज़ीरो डिग्री एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ हंड्रेड डिग्री अब ये हमने मैर करके बता दिया ए लीटर ऑफ वाटर वेट थाउजेंड ग्राम्स एंड ए लीटर ऑफ़ एथनॉल इज सेवन एटी नाइन ग्राम्स ये हमारे पास क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन हो गई नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवन वाई क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन आर बेटर इन बायोलॉजिकल मेथड क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन आर बेटर बिकॉज दीज आर इनवेरिएबल मयरेबल एंड कैन बी रिकॉर्डेड इन टर्म्स ऑफ नंबर फॉर एग्जाम्पल the freezing point of water zero degree is cancer same or boiling point of water is hundred degrees celsius question number eight how did darwin formulate the theory of evolution darwin not only observed and took notes during his voyage voyage kehte hain, safar ko. but he also read the works of other naturalist to form his theory of evolution question number nine define hypothesis a tentative explanation of observation is called hypothesis do see definition a proposition a proposition that might be true is called hypothesis for example plasmodium is cause of malaria ये एग्जाम्पल हो गई हाइपोथिस की क्वेश्चन नंबर टेन हाउ हाइपोथिस इज फॉर्म्ड ए ग्रेट डील ऑफ केयरफुल एंड क्रिएटिव थिंकिंग इज नेसेसरी फॉर द फॉर्मुलेशन ऑफ ए हाइपोथिस बायोलॉजिस्ट यूज रीजनिंग टू फॉर्मुलेट हाइपोथिस क्वेश्चन नंबर इलेवन वट आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड हाइपोथिसिस वेरी इंपॉर्टेंट A good hypothesis should have the following characteristics. Number one, it should be a general statement. It should be a tentative idea, fuzzy. Tentative means fuzzy idea. Number three, it should agree with available observation. It should be kept as simple as possible. It should be testable and पोटेंशली फॉल्सफी फालसफिएबल यानि इसको टेस्ट करें और ये गलत साबित हो इन अदर वर्कस देअर शुड बी ए वे टू शो दैट दाइपोथिस इज फॉल्स ए वे टू डिसअप्रूव द हाइपोथिस इसका ये जो लास्ट लाइन है इसको आपने यहाँ तक ही रखना है पोटेंशियली फालसिफियबल बस नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व डिफाइन डिडक्शन हाउ डिडक्शन आर फॉर्मड A logical answer. A logical consequences of hypothesis are called deduction. Formulation for this purpose, a hypothesis is taken as true and expected results are drawn from it. Generally, in a biological method, if a particular hypothesis is true, then one should accept deduction a certain result. It involves the use of if then logics. इसका कहने का मतलब है अगर किसी बंदे का हाइपोथेसिस ठीक हो जाए तो उसको गलत साबित करने के लिए बहुत सारे दूसरे लोग क्वेश्चनिंग करते हैं इसे डिडक्शन कहते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टीन डिवेल्प डिडक्शन फ्रॉम फॉलोइंग हाइपोथेसिस क्वेश्चन नंबर थर्टीन जैसे आल प्लांट सेल हैव ए न्यूक्लियस इसमें अब हमने बताना है इफ इफ़ देन लॉजिक यूज होने लगा इफ आई एग्जामिन सेल्स

Rigorous testing Through experimentation a biologist learn which hypothesis is correct. Question number 15 What is control in an experiment? In science when doing an experiment, it must be controlled experiment. experiment, controlled. A scientist must contrast an experimental group with a control group the two groups are treated exactly alike except for the one variable being tested for example in an experiment to test the necessity for carbon dioxide during photosynthesis one can contrast the control group control group you have a plant विद फ्रीली अवेलेबल कार्बन डाइऑक्साइड विद एन एक्सपेरिमेंटल ग्रुप ए प्लांट विद नो कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल यानि यहाँ पर दो ग्रुप हैं कंट्रोल ग्रुप वो जिसमें वो वाला प्लांट जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल है और दूसरा एक्सपेरिमेंट जिसके ऊपर हमने करना है वो एक्सपेरीमेंटल ग्रुप होगा जिसके पास कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल नहीं द नेसेसिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल बी proved when photosynthesis occur in the control group and does not occur in the experimental group very important and very easy 16 question number 16 what are different ways of reporting results of biological method Biologists published their findings in scientific journals and books in talks at national and international meeting and in seminars at colleges and universities. Importance publishing of results is an essential part of scientific method. It allows other people to verify the results or apply the knowledge to solve other problems. Very important question. Tha. Next question number 17 how did physicians describe malaria in early days early physicians described malaria as a disease of chills and fever with recurring attack next they also observed that disease was more common among people living in low marshy area question number 18 what was the possible cause of malaria in early days? It was thought in early days that stagnant water of marshes poisoned the air, and as a result of breathing in this bad air, people got malaria. Question number 19 What does the word malaria mean? The word malaria has been derived from two Italian words mala means bad area mean air question number 20 what was the treatment of malaria in early days early days make cajadada in 17th century when the new world america was discovered many plants from america were sent back to europe to be used as medicines the bark of a tree known as quina quina was very suitable for curing fever. It was so beneficial that it soon became impossible to carry enough bark to Europe. Some dishonest uh, merchants began to substitute the bark of another tree, Cinchona, which closely resembled Quina Quina. Yani देख लें ये मिलावट करना शुरू से ही चलता आ रहा है दिस डिसऑनेस्टी प्रूवड मच वैल्यूएबल फॉर मैन काइंड लेकिन ये अल्लाह की तरफ से मैन काइंड के लिए बेहतर साबित हो गई दी सिंकोना बार्क वॉज फाउंड टू बी एक्सीलेंट फॉर ट्रीटिंग मलेरिया सिंकोना बार्क कंटेन्स क्वीन विच इज़ इफेक्टिव इन ट्रीटिंग द डिजीज क्यों नींद वाज ओनली इफेक्टिव रेमेडी फॉर मलेरिया फ्रॉम 17th 20th सेंचुरी ये इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन डिस्क्राइब द कंट्रीब्यूशंस ऑफ लेवरन इन डिस्कवरी ऑफ प्लाज्मोडियम वेरी इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ लेवरन साइंटिस्ट था इन 1878 ए फ्रेंच आर्मी फिजिशियन लेवरन बिगन टू सर्च फॉर द कॉज ऑफ मलेरिया एक्सपेरिमेंट he took a small amount of blood from a malarial patient and examined it under microscope he noticed some tiny living creatures his discovery was not believed by other scientists confirmation two years later another physician saw the same creatures in blood of another malarial patient three years later after this second discovery, the same creature were observed for the third time. Naming of organism is Plasmodium. So organism ko plasmodium ka naam de diya gaya. Question number 22. What were observation of malaria? Unit scientific until 19th century? Answer: In the last part of 19th century, many different cause of malaria were being suggested by that time there were four major observations about malaria very important question number one malaria and marshy ears have some relation number two quinine is effective drug for treating malaria number three drinking water from marshes does not cause malaria number four plasmodium is seen in blood of malarial patient next question question number 23 what is incubation period द पीरियड बिटवीन द एंट्री ऑफ पैरासाइट इन होस्ट एंड अपेयरेंस ऑफ सिम्टम्स वो पीरियड वो टाइम पीरियड जिसमें एक पैरासाइट किसी होस्ट की बॉडी में एंटर होता है और फिर अपनी सिम्टम्स शो करता है इसको हम इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर डिजाइंड ए डिडक्शन फ्रॉम फॉलोइंग हाइपोथेसिस प्लाज्मोडियम इज काज ऑफ मलेरिया वन ऑफ द डिडक्शन फ्रॉम द अबव हाइपोथेसिस कैन बी इफ फ प्लाजोडियम इज ए काज ऑफ मलेरिया दैन ऑल परसन इल विद मलेरिया शुड हैव प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड ये यहां पर इफ दैन की स्टेटमेंट यूज करेंगे तो हम डिडक्शन डिवेल्प हो जाएगी ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन राइट डाउन ऑब्जर्वेशन ऑफ ए एफ ए किंग अबाउट मलेरिया वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ए एफ ए किंग की ऑब्जर्वेशन जो हैं लिस्टिड ट्वेंटी ऑब्जर्वेशन समी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन वर नंबर वन पीपल हु स्लेप्ट आउटडोर वर मोर लाइकली टू गेट मलेरिया दैन दोज हुप्ट इनडोर जो लोग खुले छतों पर सोते हैं या खुले जगहों पर सोते हैं उनको मलेरिया ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू उन लोगों के जो कमरों में सोते हैं बन कमरों में पीपल हु स्लेप्ट अंडर फाइन नेट वर लेस लाइकली टू गेट मलेरिया दैन दोज हु नाट यूज़ सच नैट्स जो कवरिंग के अंदर सोते हैं उनको मलेरिया नहीं होता जो बाहर सोते हैं एक्सपोज एयर में उनको हो जाता है नंबर थ्री ऑब्जर्वेशन इंडिविजुअल हु स्लेप्ट नियर स्मोकी फायर यूजुअली डिड नॉट गेट मलेरिया जो धुएँ के करीब सोते हैं उनको मलेरिया नहीं होता क्योंकि मच्छर नहीं आता वहाँ पर ट्वेंटी सिक्स क्वेश्चन वट इज़ रिक्वायर्ड फॉर मैचुरेशन ऑफ एग ऑफ फीमेल मॉस्किटो फीमेल मॉस्किटो नीड blood of mammals or bird for the maturation of their egg very important question question 27 why ronald ross used sparrow in his experiment very very important or gujranwala board hai 2014 question ronald ross used sparrow in his experiment because scientists avoid using human beings for experiments when results would be so serious Question number 28. How did Ross prove the mosquito treatment, plasmodium, and spread malaria? This Ronald Ross, a British army physician working in India in 1880, performed an important experiment. Experiment number one. He allowed a female Anopheles mosquito to bite a malarial patient. He killed the mosquito, some days later, on examining the mosquito, Plasmodium was found multiplying in mosquito's stomach. Experiment number two. is did Experiment number two. He allowed a female Culex mosquito to bite the sparrow suffering from malaria. Some of the mosquito were killed and studied at various times. Ronald Ross found that, प्लाजोडियम मल्टीप्लाइड इन वॉल ऑफ मॉस्कटो स्टमक एंड टू दिटो समी मॉस्किटो अंड अलाउड टू बाइट हेल्थी स्पैरो नेक्स्ट इसके रिजल्ट हैं ये अलग से रिजल्ट भी पूछ सकता है वट वर द रिजल्ट ऑफ रोनाल रॉस एक्सपेरिमेंट ये इस तरह से भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है ronald ross found that saliva of the infected mosquito contained plasmodia and these entered sparrow's blood when examined the blood of these previously healthy sparrow he found many plasmodia in it Ye iske results hain. question number 29 why does female mosquito injects a small amount of saliva into the wound answer when a female mosquito पायरसिस द स्किन स्किन को जब चीरती है या अपनी स्टिंग से एंटर करती है विद हर माउथ पार्ट्स शी इंजेक्ट्स ए स्मॉल अमाउंट ऑफ स्लाइवा इनटू वाउंड बिफोर ड्राइंग ब्लड दिस सलाइवा प्रिवेंट्स द ब्लड फ्रॉम क्लॉटिंग इन हर फूड के क्योंकि इसके स्लाइवा के अंतर एंटी एंटीकोगुलेंट एजेंट होते हैं ताकि जब वो हमारा हून चूसे या किसी का भी हून चूसती है तो उसके अंदर ब्लड क्लॉट ना हो जाए क्वेश्चन नंबर थर्टी वाई डू वेल्ट अपेयर आफ्टर मॉस्किटो बाइट द वेल्ट अपेयर आफ्टर मॉस्किटो बाइट्स लीव्स इज नॉट ए रिएक्शन टू वाउंड बट एन एलर्जिक रिएक्शन टू दिस दिसवा इन मोस्ट केसेस द इचिंग सेंसेशन एंड स्वेलिंग सबसाइड विद इन सेवन आवर जिससे हम हमें थोड़ी सी हारिश होती है और फिर थोड़ा सा बाद में दाना सा बन जाता है क्वेश्चन नंबर थर्टी फर्स्ट वॉट इज साइंटिफिक लॉ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गिव टू एग्जाम्पल इफ ए थ्यूरी सरवाइव डबफुल अप्रोच एंड कॉन्टिन्यू टू बी सपोर्टेड बाई ए एक्सपेरिमेंटल एविडेंसिज इट बिकम्स ए लॉ और प्रिंसिपल ए साइंटिफिक लॉ इज यूनिफॉर्म और कॉन्स्टेंट फैक्ट ऑफ नेचर it is an irrefutable theory for example hardy weinberg's law and mendel's law of inheritance question number 32 what is difference between theory and law very very important question theory a hypothesis that stands the test of time is called theory theory may be challenged a theory can be altered or changed in case of new evidence a theory is always subjected to new testing for example, Darwin's theory of evolution, law. A scientific law is a uniform, constant fact of nature. It is irrefutable theory. A law cannot be challenged. A law is already an established and definite entity. It can not be altered. A law is not subject to further testing. For example, Hardy-Weinberg's law. Next question is. Question number 33 Define data. The information such as names, dates, values made from observation and experimentation is called data. 34 In which formats data is organized? Data is organized into different formats like graphics, tables, flowchart, map, diagrams. 35 Question Define ratio. वेन ए रिलेशन बिटवीन टू नंबर ए एंड बी फॉर एग्जाम्पल ए एंड बी इज एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ क्वेश्चन इट इज़ कॉल्ड ए रेशो ऑफ वन नंबर टू अदर एक्सप्रेशन ऑफ रेशो ए रेशो इज़ एक्सप्रेस बाई पुटिंग ए डिवीजन और कॉलन मार्क बिटवीन टू नंबर दो नंबरों के दरम्यान ये मार्क्स दो लगा दें दो डॉट लगा दें वर्टिकली कॉलम के फॉर्म में कॉलन की फॉर्म में तो इसे हम रेशो रिप्रेजेंट करते हैं एग्जांपल रेशो बिटवीन 50 मलेरियल पेशेंट एंड 150 फिफ्टी नॉर्मल पेशेंट इज वन रेशो थ्री क्वेश्चन नंबर 36। इन व्हाट मेजर बायोलॉजिकल प्रॉब्लम इज द नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स यूज्ड। मेजर बायोलॉजिकल प्रॉब्लम इन विच नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स इज़ यूज इंक्लूड नंबर वन जीन फाइंडिंग नंबर टू प्रोटीन स्ट्रक्चर नंबर प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शंस लास्ट क्वेश्चन डिफाइन बायो इन्फॉर्मेटिक्स द यूज ऑफ कंप्यूटेशनल एंड स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स फॉर द एनालिसिस ऑफ बायोलॉजिकल डाटा इज कॉल्ड बायो इन्फॉर्मेटिक्स तो ये हमारे पास बेटा क्वेश्चन थे बहुत इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू पॉइंट ऑफ बोर्ड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो इनको आप अच्छे से पढ़िए अच्छे से नोट करिए इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे अल्लाह हाफिज